आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ डिस्प्रिन टैबलेट के फेस पैक के बारे में। बहुत सारी वीडियो अपलोड है यूट्यूब पर कि ये हमारे फेस की पिगमेंटेशन को दूर करता है, डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम को दूर करता है, हमारी स्किन के कलर को फेयर करता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ दिन पहले मैं यूट्यूब पर वीडियोज़ देख रही थी, एक वीडियो मेरे सामने आया डिस्प्रिन टैबलेट के फेस पैक का, जिसमें बताया गया था कि इसको लगाने से हमारे एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। जब मैंने उस वीडियो को ओपन किया और डिस्प्रिन फेस टैबलेट के फेस पैक के बारे में यूट्यूब पर रिसर्च किया, तो बहुत सारी वीडियो मेरे सामने आ गई कि जिसमें बताया था कि इससे हमारी स्किन का कलर भी फेयर हो जाता है, स्किन पर एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम भी छूमंतर हो जाती है, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो मैंने सोचा कि मैं भी इस फेस पैक को ज़रूर ट्राई करूँगी, इसलिए मैं ये डिस्प्रिन टैबलेट लेके आई मार्केट से, इसी के बारे में आज बताने वाली हूँ। चलिए फिर बिना लेट करें हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। 11 रुपये का डिस्प्रिन का ये पैक, टैबलेट का पैक आता है और 10 टैबलेट हमें मिल जाती हैं, तो लगभग 1 रुपये की टैबलेट पड़ती है। और यूट्यूब पर जैसे मैंने वीडियो देखी है कि एक टैबलेट या 2-3 टैबलेट, जैसे भी यदि आपकी स्किन पर कहीं पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है, सीधे पानी में घोलकर आप इसे लगाएंगे तो पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम सूख जाएगी। फ्रेंड्स, ऐसा क्यों होता है कि पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम दूर हो जाती है इसको लगाने से? हमारी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम दूर हो जाती है, टैनिंग की प्रॉब्लम दूर हो जाती है, हमारी स्किन का कलर फेयर हो जाता है। मैंने भी ये टैबलेट इसलिए ली थी कि मैं भी अपने फेस पर ट्राई करके देखूंगी, लेकिन मैं इतनी बड़ी खतरे की खिलाड़ी नहीं हूँ कि मैं रिसर्च कर बिना करे ही सीधे अपने पैक पर लगा लेती, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो अपलोड है, तो मैं भी अपने फेस पर लगा लूँ तो कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा ही जब इतनी सारी वीडियो अपलोड है। ऐसा क्यों होता है? मैंने अच्छी तरह रिसर्च किया तो मैंने देखा इसमें होता है सैलिसिलिक एसिड, और इस सैलिसिलिक एसिड का क्या काम होता है, ये हमारे पिंपल्स वगैरह को सुखा देता है, ये पीलिंग एजेंट की तरह काम करता है। जैसे ही हम इसे अपने फेस पर लगाते हैं तो जितने भी हमारे डेड स्किन सेल्स होते हैं, हमारी स्किन की एक परत निकल जाती है और हमारी नई स्किन आती है जो हमें काफ़ी ग्लोइंग लगती है, हमें लगता है कि हमारी स्किन का कलर कितना फेयर नज़र आ रहा है। और जो पिगमेंटेशन वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, तो एक बार जब ये डेड स्किन सेल्स निकल जाते तो उस पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम में भी हमें काफ़ी राहत दिखती है। लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना सही है? एक बार में तो 1-2 दिन तक यदि आप यूज़ करेंगे तो हो सकता है आपको लगे बहुत फ़ायदे हैं इसके, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके क्या नुकसान हैं, इसके बारे में भी हमें सोचना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, बहुत सारी वीडियो मैंने देखी हैं जिसमें बताया गया है कि इससे हमारी डेड स्किन सेल्स निकल जाते हैं, ब्लैक एंड वाइट हेड्स निकल जाते हैं, हमारे सारे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम दूर हो जाती है, हमारी स्किन का कलर फेयर हो जाता है, पता नहीं क्या क्या। जैसे इस टैबलेट ये मैजिक की तरह काम करती है और ये हमारी स्किन की सारी प्रॉब्लम को जादू की तरह दूर कर देती है। फ्रेंड्स, इतने सारी हम होम रेमेडी बताते हैं, जैसे एलोवेरा जेल की कोई होम रेमेडी बताई, इसको अपने फेस पर लगा लीजिए, या कोई भी होम रेमेडी है वो काफ़ी टाइम लेती हैं हमारी स्किन पर रिजल्ट लाने में, लेकिन ये टैबलेट एक बार में ही हमारी स्किन पर फ़र्क सिर्फ इसलिए दिखाती है क्योंकि ये पीलिंग एजेंट की तरह काम करती है और इस डेड स्किन सेल्स निकल जाते हैं और अंदर से जो नई स्किन आती है वो हमें काफ़ी ग्लोइंग नज़र आती है। लेकिन जब आप इस तरह, जब हमारी जो नई स्किन आती है वो काफ़ी सेंसिटिव होती है, और आप जब जैसे ही धूप में जाते हैं या किसी भी तरह की हीट वगैरह के संपर्क में आते हैं, तो स्किन पर इन्फेक्शन वगैरह का चांस ज़्यादा रहता है, स्किन वर्न की प्रॉब्लम भी हो सकती है, सन वर्न की प्रॉब्लम हो सकती है और बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इसे यूज़ क्यों करते हैं? बहुत सारे यूट्यूबर्स बताते हैं कि इसे डेली यूज़ करना चाहिए, इसे डेली यूज़ करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आप सोचिए कि आप एक परत निकालते हैं अपनी स्किन की, आप इसे दूसरे दिन भी यूज़ करते हैं तो जो हमारी नई स्किन है, जो अच्छी तरह से हमारी जो नई स्किन जो आई है वो अच्छी तरह से हमारी स्किन पर आई भी नहीं है, हमारे फेस पर, हम फिर से ये लगा लेते हैं, उसे फिर से निकलना पड़ता है। तो सोचिए कि कितनी सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। यूट्यूब पर ये भी नहीं बताते कि इसे आप 1 हफ्ते में यूज़ कीजिए या आप इसे 15 दिन में यूज़ कीजिए, डेली यूज़ करने से तो बहुत सारी प्रॉब्लम इसकी हो सकती हैं। फ्रेंड्स, कुछ यूट्यूबर बताते हैं कि केवल पानी में ही घोलकर आप इसे लगा लीजिए, कुछ ने बताया कि एलोवेरा जेल में मिक्स करके लगा लीजिए, कुछ यूट्यूबर ने तो इसको लगाने के बाद शीट मास्क लगाया अपने फेस पर और बोला है कि ऐसा करने से स्किन हमारी ग्लोइंग हो जाएगी। शीट मास्क लगाने के बाद तो वैसे ही हमें हमारी स्किन ग्लोइंग नज़र आती है, उसे हमारी स्किन एब्जॉर्ब करती है, साथ में एब्जॉर्ब करती है ये। इसमें केवल सैलिसिलिक एसिड नहीं होता, और भी कंपाउंड होते हैं, और जिसको आपको पता भी नहीं है कि हमारे फेस पर क्या नुकसान कर सकते हैं,
केवल एक सैलिसिलिक एसिड की वजह से, क्या आपको इसको लगाना ठीक है? आप सैलिसिलिक एसिड मार्केट से भी ले आइए जिसमें कम से कम कंपनियां बताएंगी तो सही कि इसे हमें फेस पर लगाना चाहिए। डिस्प्रिन में कहीं भी नहीं बताया गया है कि इसे हम फेस पर लगा सकते हैं, ये हमारे सर दर्द के लिए। मैं तो हमेशा इसे सर दर्द के लिए यूज़ करती थी जब मैं छोटी थी, अब तो मैं इसे वो भी यूज़ नहीं करती हूँ। ये हमारे मांसपेशियों के दर्द के लिए, बुखार के लिए, फेस के लिए बिल्कुल नहीं है। इसीलिए सीधे यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देखकर आप इसे अपने फेस पर मत लगाइए, अच्छी तरह से रिसर्च कर लीजिए। मैंने जितने भी आप पैक बताए मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ आपको एक वीडियो ऐसा नहीं मिलेगा, आप देख के बता दीजिए कि जिसमें किसी को फ़ायदा हो ना हो, नुकसान ना हो, इस बात का मैं पूरा ध्यान रखती हूँ। मैं तो लेमन जूस भी यूज़ करती हूँ तो डर के यूज़ करती हूँ, और हमेशा मेंशन करती हूँ इस बात को कि आपकी स्किन पर सूट नहीं करता तो आप इसे मत लगाइए। मैंने कभी बेकिंग सोडा की वीडियो नहीं बनाई, जैसे बहुत यूट्यूब पर आप देखेंगे बेकिंग सोडा स्किन पर हमारी स्किन को वाइट बना देता है, हमारी स्किन की प्रॉब्लम को दूर कर देता है, ऐसी बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, कॉलगेट की वीडियो मिल जाएगी। इस तरह की वीडियो देखकर अपने फेस पर तो कम से कम इसे बिल्कुल मत लगाइए। मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का हुआ कि पता नहीं स्क्रीनशॉट इस बात का मैं यूट्यूब पर लगा सकती हूँ नहीं लगा सकती, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं ऐसी कोई यूट्यूब पर स्क्रीनशॉट लगाऊं तो कोई प्रॉब्लम हो जाए कि दूसरे यूट्यूबर के कमेंट में था लगा सकते हैं नहीं लगा सकते। फ्रेंड्स किसी ने पूछा था, आप रिसर्च करके देखिए, वैसे ही बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, ढंग से कमेंट्स पढ़िए तो आपको पता चल जाएगा। किसी ने पूछा था कि 13 साल की लड़की है मेरी, पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है, क्या मैं उसे उसके फेस पर लगा लूँ? यूट्यूबर ने जवाब दिया, ऑफ कोर्स आराम से लगा सकते, 13 साल के बच्चे के लिए इस टैबलेट को आपको लगाना लगता है ठीक है। मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का कि केवल वीडियो चलाने के लिए इस तरह की वीडियो मत बनाइए, मेरी वीडियो कोई देखे ना देखे कोई बात नहीं, लेकिन मैं हमेशा सच बात बताऊंगी क्योंकि इस तरह की वीडियो ज़्यादा चलती नहीं है जब हम इतनी बुराइयां करते हैं। लेकिन मेरी वीडियो कोई देखे ना देखे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी सच होगा मैं वही बात बताऊंगी। मैंने बहुत सारे कमेंट भी पढ़े, डॉक्टर के रिव्यू देखे, अच्छी तरह रिसर्च की, स्क्रीनशॉट पर मैं लगा रही हूँ, आप देख लीजिए कि उन्होंने इस बारे में क्या कहा है। फ्रेंड्स प्लीज़ इस तरह के पैक अपने फेस पर मत लगाइए, ये आपके फेस की बहुत सारी आपके फेस को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको लगे आपके पिंपल्स सूख गए, स्किन हमारी फेयर लग रही है, स्किन ग्लोइंग लग रही है, लेकिन जैसे मैंने बताया सर डेड स्किन सेल्स के निकलने की वजह से होता है, लॉन्ग टर्म में इसके बहुत नुकसान है। इसलिए मैं आपको यही बोलूँगी कि आप इस तरह के मत लगाइए, बाकी आपकी खुद की मर्जी है, हम तो बता ही सकते हैं। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, यूज़फुल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर इस तरह की अपलोड है कि इस पैक को लगाने से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती हैं। फ्रेंड्स जैसा भी आपके कमेंट्स हो अच्छे या बुरे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, इसी से मुझे पता चलेगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।